ती आहे पीएफआयशी संबंधीची। कारण पीएफआयशी संबंधित ठिकाणांवरती छापे टाकताना एनआयएने मुंबई आणि लगतच्या परिसरामधून 5 आरोपींना अटक केली आहे। अटक केलेल्या सर्व आरोपींना गुरुवारी संध्याकाळी मुंबईतील विशेष न्यायालयामध्ये हजर करण्यात आलं आणि इथून त्यांना 5 दिवसांची एटीएस कोठडी सुद्धा न्यायालयाने सुनावली आहे। एका आरोपीचं कुटुंब या प्रकरणी समोर आलंय आणि ही एटीएसची ही जी कारवाई आहे ती पूर्णपणे चुकीची असल्याचा दावा या कुटुंबियांनी केलाय। कुटुंबातील सदस्य पीएफआयशी संबंधित असल्याचं या कुटुंबाने मान्य केलं असलं तरी सुद्धा त्यांनी कुठलीही चूक केली नाही अशी कुटुंबियांची भूमिका आहे। जो पीएफआई उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक पीएफआई बोल रही है कि हम लोग क्या करेंगे, इंडिया को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बना लेंगे, लेकिन ये डॉक्यूमेंट जो है इम्प्लांट करा गया था, फेक डॉक्यूमेंट था। अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट की निगाह में आता तो क्या फौरन पापा के पास कैसे आया? मैं बता रही हूँ आपको कि फौरन उसको बैन नहीं कर देती। ये जो डॉक्यूमेंट है ये सिर्फ मेरे डैडी के पास नहीं, आपको नेट में हर जगह मिल जाएगा। तो ये वो डॉक्यूमेंट हम लोगों को नेट के द्वारा जो व्हाट्सएप वगैरह में, फेसबुक वगैरह में आता है, वहां से आया था हम लोगों के पास। वो आज सब सुन रहे थे कि ये लोगों का काम कर रहे हैं, पीएफआई अच्छा काम कर रही है, इसके लिए लोग जुड़ रहे थे। सब देख देख के कि आज वो कोई भी नहीं काम कर रहा, कहीं पे भी कुछ भी है। अभी पुणे में हुआ, पानी भरा था बारिश का, कोई नहीं करा, नहीं पीएफआई वालों नहीं करा, ये सब करते थे। वो देख देख के लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनका कोई हाथ नहीं। इंसान देखता है जो काम अच्छा करता है उसके साथ सब होते हैं।